ऑल इंडिया फेयर प्राइस राशन डीलर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि डीलर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी व प्रदेश महासचिव विशंभर बासु के नेतृत्व में प्रदेश भर के सभी राशन डीलर कल से 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने के साथ साथ सभी राशन डीलरों का कमीशन सुनिश्चित करने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर हड़ताल है, जिसमें 3 दिन सभी राशन डीलर तहसील पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि लगातार राशन डीलरों की झूठी शिकायतें कार्ड धारकों द्वारा की जाती हैं और लगातार राशन डीलरों का शोषण किया जाता है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि झूठी शिकायत करने वाले कार्ड धारकों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाए और सभी राशन डीलरों का मानदेय भी सुनिश्चित करे, क्योंकि राशन डीलर सरकार की सारी योजनाओं को सफल बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। हमारी मांगे, फर्स्ट मांग हमारी कमीशन को लेकर है। जैसे कि और प्रदेशों में कमीशन 300 रुपये, 350 रुपये क्विंटल तक कमीशन है, और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार ने राशन डीलरों के हित में एवं उनके परिवार के हित में 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने का ऐलान किया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से ही मांग करते हैं कि यहाँ के राशन डीलरों को भी 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाए। अच्छा, किस 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 तारीख में हड़ताल रहेगी? 7 फरवरी से 9 फरवरी तक राशन डीलर हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि राशन डीलरों का अनेक शोषण होता है। गांव के लोग झूठी सच्ची शिकायतें कर देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं सरकार से भी और उच्च अधिकारियों से भी मांग करता हूं, जो झूठी शिकायतें पाई जाती हैं उन कार्ड धारकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो बेवजह राशन डीलरों का उत्पादन। अच्छा जी, किसके नेतृत्व में हड़ताल किसके नेतृत्व में रहेगी? हड़ताल हमारे राष्ट्रीय महासचिव विशंभर बासु जी के नेतृत्व में हड़ताल का आह्वान किया गया है, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी ने